एक तो जो हमारा कार्यक्रम चल रहा था विपक्ष आपके समक्ष करनाल में हुआ और वो बहुत ही कामयाब उसमें हुआ। वहाँ लोगों ने अपनी समस्याएं रखी, जैसे बेरोजगारी की रखी, डीएपी खाद की कमी रखी। वहाँ करनाल मंडी में भी हम गए, कुरुक्षेत्र भी गए, करनाल मंडी में जैसे धान की एमएसपी नहीं मिल रही थी, लिफ्टिंग नहीं हो रही थी, पैडी पर बड़ी दिक्कत थी। और जिस प्रकार से डीजल पेट्रोल और गैस के भाव बढ़ रहे हैं, सिलेंडर इसकी चर्चा हुई। और टमाटर जब किसान ने पैदा किया जब तो उसको कुछ मिला नहीं, अब 80 रुपये टमाटर हो गया, 60 रुपये प्याज हो गया। ये मतलब दिखाता है किस किस तरफ से है। तो लोगों ने बड़ी भारी शिकायत की कि अपराधों में बड़ी इंक्रीज है, क्राइम में, और बेमौसमी बारिश का नुकसान जो है वो गिरदावरी प्रॉपर नहीं हुई और किसानों को लाभ नहीं हुआ उसका। एक प्रकार से बहुत सारी समस्याएं थी उन्होंने कहा। और विकास के नाम की कोई चीज़ करनाल में भी कोई विकास के नाम की कोई नहीं, तो सड़क टूटी टूटी पड़ी है, खड्डे खड्डे हैं। तो इस प्रकार से लोग हर वक्त हमारे को मिले, वहाँ किसान भी मिले और आपके व्यापारी भी मिले, दुकानदार भी मिले, कर्मचारी भी मिले। कर्मचारी परेशान हैं और गरीब आदमी जैसे सफाई कर्मचारी हैं और हैं, वो सब मिले, सब परेशान। तो बहुत लोगों हमारे को स्थानीय समस्याओं का भी बहुत पता लगा। और उसके देखते हुए जैसा मैंने कहा था अपने इस कार्यक्रम को रखेंगे, अगला कार्यक्रम जींद में 14 नवंबर को हम करेंगे जींद में विपक्ष आपके सामने, और वहाँ जो आएगी वो आएगी। दूसरा ये 7 साल पूरे हो जा रहे हैं मौजूदा सरकार के, 5 साल पिछली सरकार के और 2 साल ये गठबंधन सरकार के। और मैं देख रहा था विभिन्न मंत्रियों की बातें कि क्या क्या उपलब्धियाँ वो बता रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कोई उपलब्धि नहीं है, बिल्कुल विफल सरकार है। 7 साल में मैं अलग अलग विभागों में आपको बताऊँगा तो जौन से विभाग के पूछो क्या इनकी अचीवमेंट रही है। तो कोई भी, चाहे वो विकास हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे आप कोई भी डिपार्टमेंट आप उठाओ, हर डिपार्टमेंट में सरकार भले। क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, दो जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करते थे ये वो भी फिसल के 13वें नंबर पे आ गया। तो कोई भी मतलब नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही और बेरोजगारी इतनी बेत्या फैल रही है कि लाइन लगी हुई है। और जो आपका खाद अवेलेबल नहीं है, तो कोई भी आप पहलू देखें सरकार जो पूर्ण रूप से फैल रही है, इनके पास कोई ऐसा वो नहीं है कोई अपनी अचीवमेंट बता सकें। डेवलपमेंट में देखें कोई नया इंस्टीट्यूट भी लेके नहीं आए। जब सरकार बनी जब उन्होंने कहा पहले दिन जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज हमारे समय बना था करनाल में, तो उसको अब यूनिवर्सिटी बनाएंगे, आज तक उसके ऊपर एक ईंट नहीं रखी गई, ना कोई नया कोई आया। हाँ, एक जो इन्होंने वादा किया था 24 घंटे बिजली देंगे, आज ऐसे समय में बिजली किल्लत है, अरे कह रहे हम बाहर से खरीदे, बाहर से तो खरीदने की जरूरत ही नहीं। हम तो ऐसा हरियाणा छोड़ के गए थे जहाँ सरप्लस बिजली पैदा, हमने इन्होंने एक प्लांट नहीं लगाया, एक यूनिट नहीं बढ़ाई। इसी प्रकार से ट्यूबवेल कनेक्शन की बात कही थी, हम फ्री देंगे, ट्यूबवेल कनेक्शन देने बंद कर दिए। आप कोई भी देखो, किसान को कहा कि एमएसपी देंगे हम, कोई किस उसमें स्वामीनाथन पे, मैं इनके घोषणा पत्र ही बता रहा हूँ बात। तो एक भी घोषणा पत्र में बिंदु ऐसा नहीं है इनका 2014 और 2019 में कि जो इन्होंने पूरा किया। इन्होंने कहा 5100 रुपये हम पेंशन देंगे, 5100 रुपये हम पेंशन देंगे और एमएसपी में कानून लागू कानून बनाएंगे, ये JJPL भी इस बिल था, और 100 रुपये प्रति क्विंटल बोनस भी देंगे।
तो वो तो बोनस है, वो तो देखो एमएसपी नहीं मिल रही। और ये भी कहा था शराब को गांव के ठेकों को गांव से बाहर निकालेंगे ग्रामीण। इसी प्रकार से ग्रामीण बच्चों को परीक्षा में 10% एक्स्ट्रा नंबर देने की बात कही थी। आप कुछ भी उठा लो, एक भी नहीं किया। और ये कहा था कि पुरानी पेंशन लागू करेंगे हम कर्मचारियों के लिए, ये भी कहा था। और ये भी वादा था इनका कि जो कर्मचारियों को पंजाब के बराबर वेतन देंगे, पंजाब के बराबर। मोटर व्हीकल एक्ट की जो चालान की दरों में कम करने की बात थी, वो तो कई गुना ज्यादा कर दी इन्होंने। ये बहुत सारी बातें थे इनके वायदों से कह रहा हूँ, जो जो इनके जेजेपी के वायदे हैं, बीजेपी जेजेपी के। बारहवीं पास बच्चों को 6,000 रुपये प्रति माह बेरोजगारी अलाउंस और ग्रेजुएट को 9,000 देने का वायदा किया था। इसी प्रकार से कहा था 2 एम्स होंगे, वो 1 एम्स कहीं कभी नींव का पत्थर इधर देते हैं, कभी उधर देते हैं। कोई IIM, कोई ऐसा, कोई NIT या ऐसा कोई भी एक इंस्टीट्यूट लेके नहीं आए कुछ। कोई कैश के नाम जरूर बदला, जैसे YMC यूनिवर्सिटी हमने रखा था, YMC की यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया था, उसका नाम बदल दिया जो उन्होंने रखा और किसी नाम से दिया। और लैपटॉप देने की बात कही थी 10वीं और 12वीं वालों को। इस प्रकार से आप कितने ही गण, ये जो गेस्ट टीचर थे उनको रेगुलराइज करने की बात कही थी। और जो मतलब ग्रामीण जो छोटे वो सफाई कर्मचारी थे उनको पूरा रेगुलर करने की बात कही थी, और 15,000 रुपये देने की बात कही थी महिलाओं को। तो कोई भी आप देखो, छोटे जो पशुपालक हैं उनको उनको वायदा किया था भाई हम इंश्योरेंस भी कराएंगे, वो इंश्योरेंस भी नहीं कराते। अब कोई उनका वो नहीं है। साल में ना कोई नई रेलवे लाइन, ना कोई बहुत बड़ी सड़क, बल्कि जो खुद गई थी नहर दादूपुर नरवी, उसको और उल्टा कर दिया। ये जो नेशनल हाईवे बन रही थी जो सोनीपत से यूपी से होकर उधर जाने राजस्थान बॉर्डर तक, उसके बारे में मुख्यमंत्री ने स्वयं पत्र लिखा कि हरियाणा को रोड की जरूरत नहीं। पहली सरकार होगी पूरे देश में जिसने नेशनल हाईवे को ये लिखा होगा हमारे रोड की जरूरत नहीं। मेरे पास दोनों पत्र हैं। उसके जवाब में गडकरी उस टाइम मंत्री थे, उन्होंने कहा ठीक है भाई 1,000 करोड़ हमारा खर्च हो चुका, आप जमा करा दो, फिर जब वो जाके रोड कहीं बनी है। नहीं, यूपी से है नेशनल हाईवे नंबर तो मेरे याद नहीं, इधर से आती है, यूपी से आती है राजीव गांधी एजुकेशन यूनिवर्सिटी के साथ, इधर भिवानी और राजस्थान में जाती है। नहीं कोर्ट पर कई बार दूसरी होता, ये हमने मंजूर कराई थी 2013 या 2014 में। और जो पिछली विधानसभा में मुद्दे उठे थे 2-3 बड़े गंभीर मुद्दे थे। एक तो जो बेरोजगारों के साथ जो लूट मची हुई है इस प्रदेश में, जिस प्रकार से परचून की दुकान में सामान मिलता है, इस तरह यहाँ प्रदेश में नौकरियाँ भी की, उसका नतीजा ये हुआ HSS उसके कमीशन के क्लर्क भी सस्पेंड हुए, चेयरमैन को भी सस्पेंड करना पड़ा, और पेपर लीक मेरे ख्याल में 2 दर्जन से भी ज़्यादा 3 दर्जन में कई पेपर लीक हो चुके। अभी आज के उसमें अखबार में है ORM शीट्स कितने 580 ORM शीट्स ब्लैक मिली हुई है, ब्लैक मिली। मामी ये कहा था भाई ये पेपर लीक का जो मामला है, जो ये धांधलेबाजी है, इसकी CBI इंक्वायरी कराई जाए।
पता नहीं क्यों संकोच करती है सरकार, किसको संरक्षण देना चाहती है, किसको बचाना चाहती है। दूसरा मुद्दा था जो कि मुख्यमंत्री जी ने हाउस में कहा था, जो कोरोना से जो ऑक्सीजन की कमी से डेथ हुई थी, उन्होंने कहा था कोई ऑक्सीजन कमी से डेथ नहीं हुई। मैंने कहा था इसके लिए हाई लेवल कमेटी बनाई जाए हर जिले में, और उन्होंने कहा था मनाएंगे, कोई नहीं, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं। इसके बाद जितने घोटाले हुए हैं जिन पर भी इन्होंने SIT लगाई है या कोई इंक्वायरी बिठाई है, उसमें किसी की रिपोर्ट आज तक उभर के नहीं आई, चाहे वो शराब का घोटाला हो, चाहे रजिस्ट्री का घोटाला हो, चाहे धान की खरीद का घोटाला हो, चाहे नौकरियों का घोटाला, कोई भी मतलब जहाँ भी कहा कि हम SIT बनाएंगे, लेकिन कोई भी आपने कहा प्रकाश सिंह कमेटी बनाई थी उसकी भी रिपोर्ट मेज के नीचे है, असली बाहर नहीं आ रही, कौन दोषी है जो प्रदेश को बर्बाद क्यों हुई, प्रदेश बर्बाद क्यों और होता। तो इस प्रकार से जो 7 साल पांच पहले और 2 गठबंधन सरकार के जो सरकार के हैं, ये हरियाणा को पीछा ले गए। जो हरियाणा का स्टार था 2014 में, चाहे वो शिक्षा हो, हेल्थ में देखो, हेल्थ में ध्यान भाई कौन से नंबर पहुंच गए, रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब जैसे राज्य पिछड़ कर हरियाणा 67 अंक के साथ 14वें स्थान पर पहुंच गया एजुकेशन में। हरियाणा शिक्षा, आर्थिक वृद्धि, स्वच्छ पानी, अपराध और उनके बारे में पूरी तरह चर्चा है। एजुकेशन का बनता है ना, एजुकेशन में जैसे कुरुक्षेत्र की यूनिवर्सिटी जो है 2018 में 80वें स्थान पर थी, अब वो पहुंच गई है 119वें स्थान पर, 2019 में 98 पे थी, पहले 80 पे थी और अब पहुंच गई है 119। इसी प्रकार से किसकी रिपोर्ट है, ये यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट होती है ना सब, भारत सरकार की है। हाँ, ये NIR नाप। इसी तरह NTU रोहतक की 2018 में रैंकिंग 76 थी, 19 में वो 90 पर पहुंच गई। मतलब कोई भी देखो, चौचड़ सिंह यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2019 में 50 थी, आज वो 63 पहुंच गई। और इंजीनियरिंग स्थानों में सूची में कुरुक्षेत्र का राष्ट्रीय जो ये है इंस्टीट्यूट है ना कुरुक्षेत्र में, उसमें 50.59 अंकों के साथ 44वें स्थान पर रहा है। अब इसकी रैंकिंग 4 साल से और भी नीचे आई। और 2020 में स्कूल शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1 से 12 तक विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों की 34,850 पोस्टें खाली हैं, जहाँ जिस छोटे से प्रदेश में 35,000 पोस्ट खाली हैं टीचरों की 12वीं तक के स्कूलों में। तो आगे क्या बच्चों का भविष्य होगा ये आप समझ सकते हैं। हेल्थ का जो है हमारे साथ समय से 4 मेडिकल कॉलेज, 1 एम्स कितने वो खुले, इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट भी जो कोरोना के देखते हुए भी 9,046 पोस्ट खाली है। और स्टाफ नर्स जो
सबसे फ्रंट होती है, 2260 डॉक्टर 980 और MPHW पाल सभा पद खाली है। नीति आयोग द्वारा जारी हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट में हरियाणा पड़ोसी राज्य पंजाब और हिमाचल से भी पिछड़ गया है। ये तो हेल्थ ही है, तो हेल्थ है, एजुकेशन है, कोई भी आप लगाओ, क्राइम में भी बहुत है। तो इस प्रकार से अपराध इस प्रकार क्राइम में बहुत आगे हम बहुत सारे उसमें किसी में दूसरे नंबर पर हैं, तीसरे नंबर पर हैं। 2000 की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में रोज 3-4 हत्याएँ, 5-6 रेप, 10-12 अपहरण और 100 से ज़्यादा चोरी, लूट, डकैती, वाहन चोरी, फिरौती, वसूली जैसे वारदात होती है। NCRB 2020 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश दंगों में 2467 मामले दर्ज किए गए हैं। आपसी टकराव के मामले में हरियाणा में 8.4 की रेट के साथ पूरे देश में दूसरे नंबर पर है। इसी के साथ कास्ट कॉन्फ्लिक्ट यानी जातीय संघर्ष के मामलों में हरियाणा 0.2 की रेट के साथ 28 राज्यों में बिहार के साथ पहले स्थान पर रहा है। महिलाओं के प्रति अपराध की रेट हरियाणा में 28 राज्यों में 94.7 की रेट के साथ चौथे नंबर पर आया है। महिलाओं की किडनैपिंग और अपहरण की रेट में हरियाणा 28 राज्यों में से 17.7 की रेट के साथ दूसरे स्थान पर रहा है महिलाओं के अपहरण में। प्रदेश में प्रतिदिन औसतन 6 मामले हर रोज महिलाओं के अपहरण से दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ यदि रेप के मामलों पर नज़र डाली जाए तो हरियाणा में साल 2020 में 1373 मामले दर्ज किए गए। अगर रेप रेट की बात की जाए तो प्रदेश 10 की रेट के साथ 28 राज्य में दूसरे स्थान पर है हमारा प्रदेश। नशे की ओवरडोज और नार्कोटिक्स के मामले में हरियाणा लगातार कई राज्यों को पीछे छोड़ता जा रहा है। इस प्रकार से क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ऐसा प्रतीत होता है यहाँ कोई सरकार नाम की चीज़ ही नहीं है, कोई मतलब किसी चीज़ की रोक टोक नहीं है। तो और आपका ये ग्रोथ रेट वो 8.2 था हमारे टाइम में, तो अब 5 पॉइंट्स कुछ हो गया हरियाणा का, नेक्स्ट लेवल से भी बहुत नीचे आ गया उस हिसाब से। तो हर उस पे पैमाने पे ये सरकार फिसड्डी सरकार निकली है और हरियाणा को पीछे ही धकेला है। इसमें कोई कंपैरेटिव डाटा भी है सर, 2014 में क्या स्थिति थी कानून व्यवस्था की? और कंपैरेटिव है अभी इसके बाद है नहीं, लेकिन कंपैरिजन देखिए बता रहा हूँ आपको। इस मांग माने अनएम्प्लॉयमेंट में है 2014 में 2.8 थी जो आज 35.7 बता रहे हैं। इसी प्रकार से आप प्रति व्यक्ति आए प्रति निवेश में हरियाणा नंबर एक था पूरे उसमें, आज कहीं नंबर ही नहीं है इन्वेस्टमेंट का, हरियाणा का निवेश का कहीं इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। इस प्रकार एजुकेशन में भी बहुत अच्छी हमारी होती हर हिसाब में, एग्रीकल्चर एजुकेशन सब चीज़ में, कानून व्यवस्था में 2014 में जो स्थिति थी उसके बाद जब हमारी सरकार आई और एक साल के अंदर जो कानून व्यवस्था कायम की गई वो बहुत ही अच्छी रही सुधार रहा। तो मेरी तरफ से तो हो गया, आप बताओ आपको।